अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के ब्रेड रोल। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं, सर्दी के दिनों में बनाएं, बारिश के दिनों में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, ये बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का इंशाल्लाह। पांच मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए ने, आलू मैंने दरमियाने साइज के लिए ने। आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे, इसे मैश बिल्कुल भी नहीं करना, कद्दूकश करना है। सारे आलूओं को ना इसी तरह कद्दूकश कर लेना है। थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ, दो सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया डाल लेंगे बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, आधी चमची हल्दी पाउडर डाल लेंगे, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, एक चमची ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। एक प्याली बेसन डाल लेंगे, आप बेसन की जगह गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सब्ज़ धनिया डालेंगे, आधी चमची नमक डालेंगे, एक चमची कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे मैंने गाढ़ा भी नहीं रखा और पतला भी नहीं रखा, इसी तरह इसे मिक्स किया है। आठ पीस मैंने ब्रेड के लिए ने, ये मैंने फ्रेश वाले ब्रेड लिए ने, ब्रेड के ना साइड वाले किनारे निकाल लेंगे। सारे ब्रेडों के ना इसी तरह किनारे निकाल लेंगे। सारे ब्रेड के किनारे मैंने निकाल लिए ने, इसे ना रोटी की तरह बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इसे थोड़ा सा दबा के बेल लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने इसी तरह कर लिया, सबको ना इसी तरह बना लेना। सारे ब्रेडों को ना मैंने बेल लिया, आप देख सकते हैं ये बहुत पतले हो चुके हैं। जो आलू का मसाला तैयार किया है मैंने वो लगा लेंगे ऊपर। मसाले को मैंने फैला लिया ऊपर, अब इसका रोल बना लेंगे। इसी तरह ना थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसका रोल बना लेंगे। देखिए मैंने इसका रोल तैयार कर लिया है, सबको इसी तरह तैयार कर लेना है, सारे रोल को ना इसी तरह तैयार करना है। सारे ब्रेड रोल मैंने तैयार कर लिए ने, आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे तैयार हुए हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसे ना थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एक रोल लेंगे, इसमें ना आराम से डिप कर लेंगे, इसी तरह डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे।
इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद में इसे उल्टाना, कच्चा बिल्कुल भी नहीं उल्टाना। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ऊपर डाल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है ब्रेड के रोल सैंडविच बनाने का। आप इसको ना बच्चों को स्कूल लंच में बना के दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाए फिर भी बना सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, आप इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है, ये कितने ही अच्छे बने हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मज़े के भी बहुत हैं। ये वाली साइड से भी ना थोड़े से ब्राउन होने देते हैं, बाद में जिधर से कच्चा लगे उधर से उठा के पका सकते हैं। आप दे सकते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं ये वाली साइड से भी। अब इसे उठा लेंगे। माशाल्लाह देखें, ये वाली साइड से भी कितने अच्छे बने हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। माशाल्लाह आप देखें कितना ही अच्छे बने हैं। इसी तरह प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप दे सकते हैं, ब्रेड रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। ये बच्चों के लिए बनाएं, सर्दी के दिन में बनाएं, बहुत ही टेस्टी हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।